आज हम स्वरों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण करते हुए उसमें लगने वाले समय के आधार पर इन्हें तीन वर्गों में यानी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। हर्ष स्वर, शॉर्ट वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते। इनकी संख्या चार है, अ, हर्षई, हर्षउ, री। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवेल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या सात है, जो कि ये हैं, आ। आ कैसे बना है? अ प्लस अ, यानी अ जोड़ अ, आ। हर्षई प्लस हर्षई, दीर्घई, इसको हम हर्षई पढ़ते हैं। हर्ष का ये छोटा रूप हर्षई, हर्षई दोनों मिलके दीर्घई बनाते हैं। हर्षऊ प्लस हर्षऊ, दीर्घऊ बनाते हैं। अ प्लस हर्षई, ए बनाते हैं। अ प्लस ए, ए बनाते हैं। अ प्लस हर्षऊ, ओ बनाते हैं। अ प्लस औ, ओ औ बनाते हैं। ओके, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों के उच्चारण से तिगुना या उससे अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का तीन का अंक लिख देते हैं, जैसे ओम। ये प्लुत स्वर कहलाता है, यानी गायब हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मात्रा, वोवेल साइन। किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते समय उसका रूप बदल जाता है। स्वर का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। स्वर और मात्रा यहाँ दिया हुआ है। अ के नीचे कोई भी मात्रा नहीं है। आ में देखिए, आ की मात्रा ये होती है। छोटी ही यानी हर्षई की मात्रा ये है। बड़ी ही यानी दीर्घई की मात्रा ये है। छोटा उ यानी हर्षऊ, उसकी मात्रा ये है। बड़ा उ यानी दीर्घऊ की मात्रा ये है। री, री हम मात्रा ऐसे लगाते हैं। ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा ये। ओ की मात्रा ये। ओ की मात्रा ये। ओके, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। व्यंजन का हल न होना ही इसका बोधक माना जाता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं, जैसे क, का, की, हु, क्री, के, कै, को, कौ। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के औ ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। औ ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, व्यंजनों के तीन भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। अब हम इनकी परिभाषा देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक के सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग मिलाकर इनकी संख्या 25 है, नीचे आपको दिया गया है। नेक्स्ट हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता। ये चार हैं, य, र, ल, व, यानी कि जीवा का पूरा टच मुंह में नहीं होता है। य बोलेंगे तो हमारा टच नहीं होता है, जीभ जो है वो टच नहीं होता है। उष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, इसी कारण इन्हें उष्म व्यंजन यानी उष्म मीन्स गर्मी, उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये चार हैं, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह। ठीक है, अब अन्य भेद दिए गए हैं, फिर पाई वाले व्यंजन दिए गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।